नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर जनपद मुजफ्फरनगर से आ रही है। राहगीर महिला की दिन दिहाड़े गोली मार कर दी गई हत्या। देखिए हमारी पी रिपोर्ट। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर गुरुवार को दिन दहाड़े बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक महिला मोहसिन पत्नी सानो निवासी मूसा बिलासपुर गांव को समय गोली मार दी। जब महिला बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में दवाई लेने के लिए आई थी, घटना की सूचना पर स्वयं SSP अभिषेक यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। आला अधिकारियों द्वारा घटना की सूचना मृतक महिला के परिजनों को देकर मामले की बारीकी से जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में बेगराजपुर हॉस्पिटल है, उसके सामने सूचना मिली थी कि एक महिला को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पहुँची थी और अस्पताल उसको पहुँचाया गया, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया था। और अभी इसके परिवार वालों से सूचना कर दी गई है, परिवार वाले भी यहाँ आ रहे हैं और साथ ही टीम भी लगा दी गई है कि जो भी यहाँ पे जो अभी तक सूचना जो आई है कि दो लड़के थे जो बाइक पे थे, और उनकी भी जानकारी कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, और टीम लगा दी गई है और उनको जल्दी पकड़ के गिरफ्तार करें। कितने बदमाश थे सर? दो लोग थे जो बाइक से थे और महिला की उम्र करीब 24-25 साल। गोली तमंचे से मारी गई? हाँ, तमंचे से गोली।